मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और फरीदाबाद में आज ठंड बढ़ चुकी है, सुबह सुबह इतनी ठंड लग रही है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने पड़े हैं और लग रहा है कि कुछ कंबल वगैरह निकाला जाए। आज पहला दिन ऐसा है जिस दिन सुबह सुबह ठंड ज़्यादा लग रही है। और हम अब जा रहे हैं ऑस्कर को घुमाने के लिए, क्योंकि वैसे तो शुभम जाता है, मेरा बेटा है जो हो जाता है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से मैं और शुभम के पापा हम दोनों जा रहे हैं ऑस्कर को वॉक करवाने के लिए, क्योंकि इनको तो देखो सुबह सुबह वॉक की आदत होती है। तो चलो आओ ऑस्कर, चले चलो आओ, चलो नीचे, वो पट्टा नीचे है ना, चलो चले चलो नीचे पट्टा बांधेंगे, चलो। तो जैसे कि ठंड हो चुकी है, अब तो जूते का मौसम आ चुका है, अब तक चप्पल में चल रहे थे। अब पट्टा नहीं बांधा, अभी पट्टा लगाना है ना, चलो पट्टा बांधो। पट्टा कैसे बंधेगा? पट्टा ऐसे बंधेगा, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे पट्टा लगाना है ना। चलो बाहर, चलो चलो बाहर, चलो 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 आगे चलो। कहाँ जा? उधर नहीं, उधर नहीं, चलो आगे, चलो 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 आगे, चलो चलो जल्दी चलो। चलो 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 गेट से बाहर चलो, आओ कहाँ जाना है, चलो आओ। चलो आगे, चलो चलो ना, आजा आजा, पापा जा रहे हैं उधर, चलो। और ये लगा हुआ है पार्लर के बाहर मेहंदी लगाने के लिए, स्टॉल लगा देते हैं अपने अपने पार्लर के बाहर। हेलो भाई, पॉटी कर ली और भैया अब घर चल दिए। मौसम आज तो कैसा है, चिल्ड वाला? चलो चलो घर चलो जल्दी, चलो आओ आओ, घूमी घूमी हो गई, अब कहाँ जाना है, उधर कहाँ जाना है, उसको वो नजर आ गया कोई और। चलो मेरा बिट्टू घूमे घूमे कर रहा है, चलो चलो आओ गेट के अंदर, आओ आओ चलो अंदर। चलो आओ आओ अंदर, चलो चलो अंदर, चलो अंदर आओ, चलो अंदर 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 बैठना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ अंदर बैठो, यहाँ बैठ जाओ तुम। अब ये एक डेढ़ घंटा यहीं बैठा रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा अभी, बैठ जाओ चलो। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी कुछ साड़ी जो कि मैंने निकाली है, क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं, आगे साड़ियां वाड़ियां पहननी पड़ेंगी, हैवी सूट हैं, साड़ी हैं, जिसका मन करेगा वो पहनेंगे।
तो आज सुबह मैंने एक्चुअली हैवी साड़ियों को हम लोग बेड में अंदर सूटकेस में रखते हैं, तो आज सुबह ही मैंने स्टार्ट कर दिया था काम करना बहुत जल्दी, और अपनी सारी साड़ियां निकाली हैं जो कि इन त्योहारों में पहननी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे मेरी मैरिज की साड़ी भी मिल गई थी तो मैंने वो भी निकाली है। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाती हूँ, ये देखो, ये है मेरी शादी की साड़ी, ये देखिए, ये प्रॉपर बनारसी की साड़ी है और अभी तक भी ये काली नहीं पड़ी है, मतलब बहुत अच्छी साड़ी निकली है। एक्चुअली उस टाइम साड़ियों का मटेरियल बहुत ही अच्छा आया करता था, तो आजकल तो इतना अच्छा नहीं आता है। ये देखिए, बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ मैं, ये थोड़ा सा डार्क मैरून कलर की बनारसी साड़ी है और इसका मैं पल्लू दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा पल्लू था इसका, ये देखिए। तो बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है साड़ी। इसको मैं एक करवा चौथ पे, एक शायद दो तीन करवा चौथ पे पहन चुकी हूँ, तो अभी इस बार नहीं पहन रही हूँ तो, लेकिन ये मैंने अपनी शादी पर पहनी थी जो कि बहुत ही अच्छी लगी थी। ये देखिएगा, अच्छी लग रही है ना। बहुत प्यारी साड़ी है और ये साड़ी पता है कब की है, 1988 जनवरी में मेरी मैरिज हुई थी, तो 87 के लास्ट में जैसे नवंबर दिसंबर में मैंने ये खरीदी होगी। 2020 चल रहा है, मतलब पूरे इसको 30 साल हो चुके हैं इस साड़ी को खरीदे हुए, तो 30 साल पुरानी साड़ी है। लेकिन आप देख सकते हो वीडियो में भी प्रॉपर दिखाई दे रही है कि इसकी शाइनिंग में कहीं कोई फर्क नहीं आया, कहीं से कोई कट वट ये वो कुछ भी नहीं लगा है, तो आप देखो ये, और अभी भी बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी आप। लेकिन इसका जो उस टाइम का ब्लाउज था वो तो मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं इसके साथ का इस कलर का ना, मैरून कलर का, इसी कलर का ब्लाउज था ये सिल्क का, मैं एक और ब्लाउज सिलवाऊंगी और उसके साथ इसको कभी ना कभी आपको फिर से पहन के मैं जरूर दिखाऊंगी। और अगर मेरी बेटी इसको पहनना चाहे तो वो भी ले जा सकती है, ले सकती है इस साड़ी को, और मेरी बहू लेना चाहेगी तो वो भी ले सकती है इस साड़ी को, एक यादगार रहेगी। इसी साड़ी को पहन के मैंने अपनी शादी के फेरे लिए हैं, जयमाला हुई है और मेरी विदाई भी इसी साड़ी में हुई है। तो देख लीजिए उस टाइम की बनारसी साड़ियां कितनी अच्छी होती थी, आज भी ये एज इट इज रखी है, आपको फोटो भी दिखाई दे रही है मेरी मैरिज की। ये तो चलिए इसको रखती हूँ मैं, उसके बाद मैं और दिखाती हूँ आपको, अभी इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी। और एक और ये भी साड़ी है, ये भी मेरी शादी की ही साड़ी है, ये ब्लाउज है इसका, ये तब से अब तक खराब नहीं हुई है, ये मुझे मेरी मम्मी ने ही, मतलब मैं शादी में अपने साथ लेके गई थी ये साड़ी, डार्क पर्पल कलर की साड़ी है, लेकिन आज तक इस साड़ी को भी कुछ भी नहीं हुआ, 30-30 साल पुरानी साड़ियां हैं। तो अब पता नहीं ये मेरी बेटी के काम आएंगी या मेरी बहू के, जो भी इसको लेना चाहे वो ले सकती हैं। और एक ये साड़ी है, बहुत सुंदर थी, इसका ये ब्लाउज है, ये भी रस्ट कलर की साड़ी है, लेकिन पहन कर इतनी अच्छी लगती है ना, ये मैंने अपने भाई की शादी में खरीदी थी, ये अंदर से इसका ऐसा है और बाकी इसका ये पल्लू भी बड़ा प्यारा है, अंदर से तो ऐसी प्लेन है, छोटी छोटी बूटियां है, ये बॉर्डर है गोल्डन कलर का, और ये इसका पल्ला है, बहुत प्यारा पल्ला लगता है, ये साड़ी पहन के इतना खिलती है ना। ये मैंने अपने मेरे से छोटा है जो मेरा भाई, उसकी मैरिज हुई थी मेरी शादी के बाद सन 2000 में, मतलब ये साड़ी मैंने सन 2000 की खरीदी हुई है, और ये देख लीजिए ये साड़ी भी पूरे 20 साल पुरानी है। तो साड़ियां तो मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है ये अच्छी, लेकिन जो बिल्कुल सिलेक्टेड बहुत अच्छी हैं
मैं आपको वही साड़ियां दिखा रही हूँ, क्योंकि इन सबको मैंने त्योहार अब जैसे आ रहे हैं तो उसमें पहनने के लिए रखा है। ये साड़ी है मैंने कलकत्ता से मंगवाई थी, कलकत्ता में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, ये मैंने उससे मंगवाई थी। ये इसका गोल्डन डार्क ब्राउन ब्लैकिश कर लो, वैसे मुझे मैरून और ब्लैक लेना था पर उन्होंने ये भेजा था। ये देखिए, ये इसका पल्ला है, पल्ला का है गया, पल्ला भी नीचे है, जो वो कलकत्ता की साड़ियां होती है ना, ये उसकी है। ये भी बहुत प्यारी लगती है बंधने के बाद, क्योंकि बॉर्डर है इसमें चौड़ा काफी, ये वाला गोल्डन, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और ये वहां का ये कॉटन मटेरियल होता है कलकत्ता में जो चलता है ना कॉटन का, वही है। लेकिन साड़ी बहुत ऑसम लगती है पहन के। ये मेरी एक फ्रेंड वहां पे रहती थी पहले, अब तो नहीं रहती है वो, तो उनसे मंगवाई थी मैंने वहां से, उन्होंने मुझे लाके दी थी वहां से। ये देखिए साड़ी, ये भी बहुत सुंदर है। तो अब जैसे त्योहार आ रहे हैं तो उसमें मैं पहनूंगी, तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार नई साड़ियां खरीदते रहे। और एक ये साड़ी है, इसका ब्लाउज कहाँ गया, ये ब्लाउज है, ये मेरी डॉटर ने मुझे लेके दी थी जब उसकी जॉब वगैरह लग गई थी, तो अच्छे से सेट हो गई थी, तो उसमें मुझे मेरी बेटी ने ये लेके दी थी अपनी सैलरी में से। तो ये मेरी बेटी की मुझे लेके दी हुई पहली साड़ी है जो कि उसने अपने आप से लेके दी थी। ये साड़ी उसने पॉल संस से मुझे लेके दी थी और बड़ी ही प्यारी लगती है ये कलर पहनने के बाद। ये इसका बॉर्डर है खाली, ऐसे प्लेन बॉर्डर है और सेल्फ डिजाइन है, थोड़ा सा सेल्फ में मटेरियल पता नहीं क्या है, सिल्क में ही है कुछ तो, लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी बेटी ने जो लेके दी थी पहली साड़ी है जो मुझे उसने अपनी सैलरी से लेके दी थी। कितनी खुशी होती है ना बच्चों को, जब बच्चों हमें माँ बाप को, कि जब बच्चे कमाने लग जाएं तो वो अपनी सैलरी अपने उसमें से हमें साड़ियां लेके देते हैं। और ये वाली भी साड़ी, ये तो अभी की साड़ी है, 2019 में ही ली है। ये मुझे मेरी बेटी ने लेके दी है, जो कि ये देखिए, ये मैंने अपनी बेटी की सगाई पे पहनी थी ये साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी है ये। उसकी सगाई की कोई फोटो होगी तो मैं वो भी इसमें दिखाऊंगी आपको, वो भी मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ये साड़ी थी, बनारसी साड़ी है, इसका ये ऑरेंज कलर है और ये मजेंटा जो रानी कलर होता है उसका बॉर्डर सा है, बहुत प्यारी लगती है पहन के। इसकी सगाई की फोटो वो भी मैं साथ में अपलोड कर देती हूँ, वो भी देखिएगा। साड़ी बड़ी ऑसम है, बड़ी प्यारी साड़ी है, ये देखिएगा। तो ये साड़ियां रखी हुई होती हैं, अब ना डेली में पहनी जाती हैं ना कुछ, तो जैसे त्योहार वगैरह आते हैं हम तभी पहनते हैं, क्योंकि जब कोई रिश्तेदारी में कोई फंक्शन त्योहार ओकेजन आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, और साड़ियां खरीद लेते हैं। तो लेकिन अब मैंने ये सिलेक्टेड 5-6 साड़ियां निकाली हैं कि जो त्योहार आ रहे हैं उन पर मैं पहनती हूँ उन साड़ियों को। अदरवाइज तो सूट भी हैवी बहुत सारे हैं, तो कभी सूट पहना जाएगा कभी साड़ी पहनी जाएगी। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, हर बार जरूरी नहीं है कि हम नई नई चीजें खरीदते रहें, अपनी पुरानी साड़ियों को निकाल कर उनको चेंज करके उनको भी पहना जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज कपड़े ये वाले तो रखे ही रह जाते हैं, कितना पहनते हैं। इस वाली साड़ी को मैंने केवल एक बार पहना है, तो अब सेकंड टाइम और सोच रही हूँ कब पहनूंगी, और कल करवा चौथ पर मैं क्या पहन रही हूँ शाम की पूजा के टाइम, वो मेरा सस्पेंस है। वो मैं आपको जब मैं पहन लूंगी, तैयार हो जाऊंगी, वो मैं आपको तब ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है। हाँ, दिन में जो मैंने सुबह से ही सूट पहनना है वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो वो तो मेरा सिल के आ गया था, वो आप देख चुके हैं, तो उसको तो मैं कल सुबह जैसे सर्गी करेंगे तो सर्गी में भी वही पहनूंगी, और उसके बाद भी उसी को पहनूंगी। सर्गी में एक्चुअली मैं हमेशा से कोरा कपड़ा ही पहनती आई हूँ, तो अब भी मैं कोरा ही सूट पहनूंगी, मतलब एकदम न्यू सिला हुआ।
मैंने पुराने कपड़े अभी कभी पहने नहीं है सर्दी पर, तो इसलिए मैं एक सूट या साड़ी हमेशा सिलवा के या रखती थी जरूर सर्दी में खाने और खाने के लिए, मतलब जब खाते हैं तो उस टाइम पहनने के लिए। तो मेरी साड़ियों का कलेक्शन आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक का बटन दबा दीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। मैं भी चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर के साथ मेरी फैमिली बढ़ती जाए, सभी लोग आप मेरे चैनल को देखें, हमारी वीडियोस को देखें, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी करवा चौथ की आप सबकी भी तैयारियां चल रही होंगी, हमारी भी चल रही हैं, जैसे चूड़ियां लेना या ज्वेलरी लेना या सब कुछ मैंने भी अपना तैयार किया हुआ है, पूरे अपने सेट तैयार करके रख लिया है, मुझे भी कल जो पहनना है तो आपके साथ शेयर क्या करूंगी, उसको पहन के ही शेयर करूंगी मैं कल ही जो जो मैं चीजें लेकर आई हूं। ऑस्कर इधर आओ। मुझे अचानक से जाना पड़ गया है मार्केट एक दो सामान लाने के लिए, तो मैं निकल रही हूं बाजार के लिए और आते हैं थोड़ी देर में बाजार में। वैसे तो जिस मार्केट में जाना था एक नंबर मार्केट फरीदाबाद की, तो वहां तो पता चला है बहुत ज्यादा रश होगा क्योंकि जिस पुल से होकर जाते हैं वो वाला पुल ही इन्होंने आजकल बंद किया हुआ है। तो वैसे मैंने हेलमेट भी पहनना है क्योंकि स्कूटी चलानी है, तो हेलमेट पहन के जाऊंगी, हेलमेट मेरा फुल कवर्ड है तो, लेकिन फिर भी इसको मैं सिर पे तो रख ही लेती हूँ। जब हमने बाल कलर किए होते हैं तो उनकी थोड़ा सेफ्टी ज्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि बार बार वॉश करेंगे तो कलर और जल्दी निकल जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही कर लूंगी, फेस नहीं ढकूंगी, मेरा जो हेलमेट है वो फुल है। स्कूटी पे जाना होता है तो इसलिए कुछ व्लॉग बना नहीं पाती उससे, बाकी शॉप पर जाकर देखते हैं कि बन जाता है तो। चलिए मैं होके आती हूँ मार्केट, मिलते हैं फिर। और ऑस्कर घर में ही रहेगा, बस लॉक करके चले जाते हैं, वो घर में ही होता है तो सेफ रहता है, बस बाहर का मेन गेट हम लोग बंद कर जाते हैं। चलिए बाय बाय। मैं जा रही हूँ अब मेहंदी लगवाने के लिए। मेहंदी वाली ने एक्चुअली घर पे आना था लेकिन वो हमारे घर नहीं आके मेरी बहन के घर बैठी हुई है, तो वहीं पे हम सबको लगा रही हैं, तो मैं अपनी बहन के घर ही जा रही हूँ, वहीं पर मेहंदी लगवा कर आती हूँ। और रात के 10 बजे हुए हैं, मैं रास्ते में हूँ और है तो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही, तो लेकिन बाहर रोड पर से ही जाना पड़ता है, तो मैं जा रही हूँ। ये लग रही है मेहंदी, लगाओ लगाओ आप लगाओ, दूसरा हाथ दिखाना अशुद्ध, कैसी लगाई है ये देखो दूसरे हाथ में। हाँ लगाई तो बारीक है, बड़ी साफ लगाई है वैसे तो, इसीलिए टाइम लगाया है। और ये बिटिया देखो मुझे भी मेहंदी लगा रही है, और प्रोफेशनल नहीं है बिल्कुल भी, प्रैक्टिस में नहीं है, तो जैसे ही उनको आती है स्लो आती है वो लगा रही है, लेकिन बहुत अच्छी लगाई है उन्होंने मेहंदी, मुझे पसंद आई है, बहुत बारीक डिज़ाइन लगाए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मैंने मेहंदी तो लगवा ली है लेकिन ये बस इतनी ही लगी है थोड़ी सी, तो एक्चुअली जो लड़की मेरी सिस्टर की स्टूडेंट है वो लगाने आई हुई थी, जो उनके पास टाइम नहीं था तो वो लेट हो रही थी घर जाने के लिए, तो मैंने मुझे पता नहीं था कि वो नहीं लगा पाएंगी पूरी, तो मुझे तो ये था कि वो दोनों हाथों में लगा के जाएंगी, तो एक्चुअली उसके पास टाइम नहीं था तो इसलिए पूरी नहीं लगवा पाए हैं, बस ये पीछे ही थोड़ी बहुत लगी है और ये इतने आगे में भी इतनी लगी है।
तो देखती हूँ कल सुबह अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मार्केट से लगवा आऊंगी। अगर मुझे पहले से पता होता कि इस बच्ची के पास टाइम नहीं है, ये नहीं लगा पाएंगी, तो मैं आज ही दिन में लगा लेती, मार्केट से मैं लगवा आती। क्योंकि हम मार्केट गए हुए थे तो मेरे को मेरी डॉटर ने बोला भी था कि आप मार्केट यहीं से मेहंदी लगवा जाओ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो उस टाइम मैंने लगवाई नहीं, तो अब कोई बात नहीं, जैसी ये लगी है बहुत अच्छी लगी है। फिर भी उस बच्ची ने जल्दबाजी में लगाई है, ये चीज बेल भी लगाई, ये भी किया, अच्छा लगाया, काफी अच्छी है। तो उस बिटिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन हाँ, मैं कल सुबह देखती हूँ, अगर टाइम मिलता है या कोई मेहंदी वाले बैठे हैं तो मैं कल सुबह लगवा लूंगी साथ में। तो नहीं तो कोई बात नहीं, सगन करना होता है तो वो ये थोड़ा सा लगा के सगन तो हो गया है, मेहंदी हमारी लग गई है। तो बाकी अब कल सुबह सरगी करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वीडियो। तो मेरा वीडियो देखते रहिएगा, कल वाला वीडियो भी देखिएगा सारा, और हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हम आपको करते हैं गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।